बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सुरेंद्र जी का, तालियां तो बजाओ भाई, उनको पता भी तो चलना चाहिए कि लल्लन टॉप वाले कैसे हैं, अड्डा कितना एनर्जेटिक होता है। हाय सर, स्वागत है आपका। सुरेंद्र मोहन पाठक 300 से ज्यादा नॉवल लिख चुके हैं, आप में से बहुत लोगों ने उन्हें पढ़ा ही होगा, और आपने नहीं पढ़ा होगा तो पिता ने या दादाजी ने पढ़ा होगा। हिंदुस्तान के इकलौते राइटर जो तीन पीढ़ियों तक उनको पढ़ा जा रहा है, अभी भी लगातार उनको पढ़ा जा रहा है, तो सब एक बार स्वागत करें तालियों से। हाँ चल रहा है सर। पाठक साहब की एक खास बात यह है कि इनकी एक डेडिकेटेड फैन आर्मी है, जो हिंदुस्तान में बहुत कम राइटर्स को नसीब हुई है। जहाँ भी सर जाते हैं उनके फैंस उनके साथ होते हैं, उनको चीयर अप करते हैं। तो सर, आपको फैंस को लेकर क्या लगता है कि ये प्यार आपने किस तरह से कमाया? भाई अर्जित किया है। जब आप किसी की खिदमत करें तो वो खिदमत का कोई सिला तो देगा ना। मैंने दिल लगा के लिखा है, इस उम्मीद से लिखा है, इस अरमान से लिखा है कि जो लिखा है वो पढ़ने वालों को पसंद आएगा। जब वो पसंद आ गया तो मेरे पल्ले भी तो कुछ डालेंगे ना। फैंस की बात चली है तो मैं आपके एक डेडिकेटेड फैंस का बात करना चाहूँगा, जिन्हें कि रामभक्त हनुमान कहा जाता है। ना सिर्फ इसलिए कि उन्होंने संजीवनी पहाड़ जैसा एक काम किया था, बल्कि उनकी स्वामी भक्ति के लिए भी। सुधीर भड़क जी, उन्होंने ई बुक्स, सर की ई बुक्स आई थी 2-4 साल पहले, न्यूज़ हंट करके एक पोर्टल था, तो उसके लिए प्रिंट करने से लेके टाइप करने से लेके प्रिंटिंग तक का सारा काम उन्होंने ही देखा था। तो सर आप उनके बारे में बताइए। वो अभी भी सब कुछ मेरी खातिर वही कर रहे हैं, मेरी तरह से, मेरे बिहाफ पे। मेरे डेली हंट से कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, जो उधर से पैसा मिलता है उसकी एडवाइस भी उन्हीं के पास आती है, और वही उसके वो जो वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह करके वो भेजते हैं। शुरुआती दौर में उस वक़्त डेली हंट भी नया था, इसलिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। स्क्रिप्ट खुद टाइप की, कम से कम 200 नावल्स की प्रूफ रीडिंग की, और अभी भी वो बाकायदा ट्रैक रखते हैं किस किस्म का सिलसिला है, उसकी पब्लिसिटी बनाने में, सेल बढ़ाने में कई तरह की बड़ी वो वैल्यूएबल सलाहें देते हैं। तो मेरी किस्मत है कि मेरा उनसे साथ बना, लेकिन बना इसी वजह से कि वो कहते हैं मैं 12 साल की उम्र से मेरे नावल पढ़ रहे थे। 12 साल की उम्र से आपके नावल पढ़? और ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, इंडिया में रहते भी नहीं, और ऑस्ट्रेलिया की फौज में। जी सर का एक डिटेल इंटरव्यू वहाँ हो चुका है जिसमें सब रूटीन सवाल पूछे गए हैं, तो हम रूटीन सवालों को नहीं पूछेंगे। सर के बारे में एक चीज उनके फैंस को तो पता है, बाकी लोगों को नहीं पता कि सर का फिल्मी दुनिया से बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। सर फिल्मी दुनिया नाम की एक मैगजीन में भी लिखते रहे हैं, और सर को फिल्मों से बहुत लगाव भी और नॉलेज भी है। सर फिल्मी दुनिया में जब आप लिखते थे उसका एक दिलचस्प किस्सा है, वो बताइए। भाई फिल्मी दुनिया मैगजीन उस दौर में छपती थी जिस वक्त जो भी छपता था बिकता था, पसंद किया जाता था। जी फेलियर कोई भी नहीं था, दिल्ली से कम दर्जन फिल्मी मैगजीनें निकलती थी, और नावल छपता था जो उसकी कीमत 12 आने होती थी, मैगजीन की कीमत भी 12 आने 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होती थी। तो फिल्मी दुनिया का जो पब्लिशर था उसकी तो एक तरह से लॉटरी निकली थी। वो एच व्हीलर के जो मालिकान थे वो शमा वाले के घर में ठहरते थे, वो मालचा मार्ग पर उनकी कोठी थी। तो एक बार वो उनसे मिलने गए तो मालिक ने, वो बैनर्जी थे, उन्होंने उसको कहा भी तुम यहाँ आके मिलो मेरे से। तो इन्होंने बाजार से कोई दूसरे की मैगजीन खरीदी, उसका टाइटल उखाड़ा, सिर्फ फिल्मी दुनिया का टाइटल छपवाया और दूसरे की मैगजीन पर वो टाइटल चढ़ा के दिखा के उनको दिखाई कि ये मैं छापता हूँ, इसकी अप्रूवल दो, मुझे ऑर्डर दो। कभी मैगजीन नहीं छपी, सोचा नहीं उन्होंने कभी, कोई तैयारी नहीं है। और उन्होंने कह दिया ठीक है ऑर्डर भेज दिया करो, तुम्हें बुक स्टॉल पर कहाँ कहाँ कितनी भेजनी है उसकी लिस्ट मिल जाएगी। 2 दिन में वो लिस्ट मिल गई इनको ऑर्डर की। अब इनके आत्मा भूल गए कि इतने टाइम में मैगजीन कैसे निकालूं, लेकिन इतना बड़ा किला फतेह कर लिया था उन्होंने कि सेल का इंतजाम जब ऑलरेडी अश्योर्ड हो गया। तो ये एक एक्सीडेंटली मैगजीन छपी, लेकिन एक दौर में 2.25 लाख तक सर्कुलेशन उसकी पहुंची थी। बाद में जब उसका डाउनफॉल हुआ तो इसी वजह से हुआ कि वो घटती घटती इतने लेवल पर पहुँच गई कि कास्ट भी कवर नहीं होती थी, फिर बंद हो गई, लेकिन 20 साल बहुत चले।
एक इसी से जुड़ा। मैंने किस लिए लिखा जी, जी। मैं किस लिए लिखा, उस वक्त मैं बहुत छोटा था, 24-25 साल का, मेरे को लिखने की जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी मैं कबूल कर लेता था, क्योंकि किसी भी तरह है चार पैसे मिलेंगे, और कहीं तो मैं ऐसी असाइनमेंट कबूल कर लेता था जो मुझे लगता नहीं था कि मैं लिख पाऊंगा। ये फिल्मी मैगजीन के लिए भी लिखना भी ऐसा ही था, लेकिन लिखा किसी तरह से, बाद में अभ्यास हो गया। एक कॉलम उसमें मैंने कोई 2.5-3 साल लिखा, बात ही बात के नाम से इतना फेमस हो गया कि मैगजीन खरीद के लोग खोलते ही वहाँ से थे जब बात की बात छपाए, पहले वो पढ़ते थे फिर बाकी मैगजीन छपते थे, लेकिन टिक नहीं पाई, टिक नहीं पाई। एक कोई प्रकाशक फिल्मी दुनिया का आपका आर्टिकल लेके आपके पास आया था कि यार ये बंदा कौन है, बड़ा अच्छा लिखता है, वो किस्सा सुनाइए जरा। हाँ, वो चित्रलेखा के मालिक थे, चित्रलेखा के मालिक थे, कॉम्पिटिटिव मैगजीन थी, फिल्मी दुनिया के मालिक के और भी धंधे थे, वो रतन कंपनी के नाम से ये पुस्तकालय चलाते थे, ये के सस्ती किताबें बेचने का, गाने छापते थे, ये नावल वगैरह छापते थे, उनके और भी धंधे थे। जो चित्रलेखा का मालिक था उसका एक ही धंधा था, चित्रलेखा मैगजीन छापता था, और उसको इन बातों का ज्ञान भी था, पर्सनल फर्स्ट हैंड बहुत अच्छी मैगजीन छापता था, लेकिन उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद वो फिल्मी दुनिया से कभी आगे नहीं निकल पाई थी, ये एक अफसोस की बात है और हैरानी की बात है। तो जब बात की बात मेरा कॉलम बहुत फेमस हो गया, तो एक बार मैं उसके दफ्तर में उसके साथ बैठा हुआ था, तो बोला यार ये कॉलम हमें पता नहीं लग रहा, सारे बम्बे में खोजबीन कर लिया है, कौन लिखता है कि हमारे लिए भी कुछ लिखे। तो मैंने कहा भाई मैं लिखता हूँ, कहता फिर तेरा नाम क्यों नहीं है, मैं कह है मेरा नाम सो मो पा SMP सुरेंद्र मोहन पाठक। बड़ी मुश्किल से उसकी यकीन में आया, कहता पूरा नावल क्यों नहीं, पूरा नाम क्यों नहीं लिखता है क्या, मैं कह क्योंकि मेरा एक आर्टिकल और होता है उस मैगजीन में हर महीने, तो ये दो आर्टिकल एक ही बंदे के अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने ही प्रपोज किया था कि एक नाम SMP लिख लो कर लो। तो ही गेव मी 3 times द अमाउंट दैट आई वॉज गेटिंग फ्रॉम फिल्मी दुनिया, इतना वो किया, बड़ा कदर की उसने मेरी। तो फिर लिखा मैंने उसके लिए भी लिखा, लेकिन वो फील्ड बदलने में वो पूछ नहीं रही उसकी जो फिल्मी दुनिया में थी, मतलब मैंने भी गेन नहीं किया उस बात से, उसने भी गेन नहीं किया। आपके उपन्यासों में किरदारों के नाम बड़े रोबिले होते हैं, और खास तौर से किरदारों के जैसे मराठी हो, पारसी हो, नेपाली हो, जैसे देवसरे महाड़िक जैसे मराठी नाम, ऐसा कोई भी नाम नहीं लगता कि रैंडमली पिक किया हो, लगता है इस पर मेहनत की गई है। रैंडमली पिक नहीं किया होता, इसकी मेरी 12 महीने की तैयारी होती है, हर वक्त तैयार रहता हूँ, मेरी निगाह रहती है कि किसी खास कम्युनिटी के कलरफुल नाम अगर हो तो मैं उसको नोट कर लेता हूँ। मेरे को मराठी और सिंधी नाम बहुत कलरफुल लगते हैं। हाँ, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन पंजाबी नाम बड़े चालू स्टीरियोटाइप्ड होते हैं, उसका कोई रोब नहीं खाता उसका कोई, लेकिन मराठी और सिंधी नामों में मेरा बड़ा जोर रहा है। तीसरे नंबर पर गोवानी नाम, तो वो जरा बाहरी कल्चर से जरा इम्प्रेस्ड होते हैं जैसे भी हैं, तो मैं इसका बकायदा एक रेडिरेक्नर बनाया हुआ है मैंने, खड़े पैर नाम नहीं सोचता, पहले से तैयारी करके रखता हूँ, फिर जैसा करेक्टर होता है अपनी लिस्ट में से छांटता हूँ कि कौन सा नाम मैं इसमें चॉइस करूँ। राइटर को नावल लिखने के लिए बहुत होमवर्क करना पड़ता है, जिसका रीडर को पता ही नहीं लगता, जिसका कई कहानी के छोटे मोटे आइडिया होते हैं, कोई स्मॉल टॉक होती है, कोई डायलॉग होता है, ये नावल हो ना हो नोट करके रखना पड़ता है, वरना मौका आता है तो भूल जाता है। बावजूद इसके सर ने लगभग 300 नॉवल लिखे हैं। सर, आपके कोलाबा कॉन्स्पिरेसी नॉवल में एक इंस्पेक्टर चंद्रकांत देवताले नाम का किरदार था, इसी नाम के एक प्रसिद्ध कवि भी हुए हैं, तो इस तरह की प्रसिद्ध भी क्या, बहुत प्रसिद्ध कवि, मुझे दुख है कि मेरे को मालूम नहीं था, नहीं तो कोई और नाम रखता। ऐसे ही एक मैंने मैक्सवेल परेरा लिखा था, गुंडा, विमल सीरीज के नावल में, मुझे बाद में पता लगा कि वो एडिशनल कमिश्नर थे दिल्ली पुलिस में। तो ये ऐसी बातें इग्नोरेंस में हो जाती है। आपके कुछ किरदारों ने एक मिसाल और, बाबू बजरंगी, वो कोई वो गुजरात की पॉलिटिक्स में बड़ा नाम थे, तो मैंने बाबू बजरंगी नावल में किरदार बना दिया, लेकिन वो मुझे लिखते लिखते पता लग गया, तो मैंने फिर उसको बापू बजरंगी किया। किरदारों की बात चली है तो आपके कुछ किरदारों ने वापसी की, जैसे मायाराम बाबा आया, जगमोहन आया,
ऐसे कुछ खास किरदार और हैं जिन्हें आपके फैंस चाहते हैं कि वो वापस आए, जैसे क्रॉनिकल की रिपोर्टर नहीं थी रूपा, लेकिन वो जो सलाह देते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं। किसके लिए फरमाइशें आती है वैसे? एक तो वही है रूपा, लेकिन उसको मैंने ड्राप ही इसलिए किया, मैंने 3 नावल लिखे रूपा गुप्ता के, तो लेकिन उसमें रीडर शिकायत करने लगे थे कि ये सुनील पर हावी होती जा रही है, सुनील तो बौना लगने लगा इसके मुकाबले में, मेरे को तो मंजूर नहीं था, मेरा हीरो मेरे ही क्रिएटेड किसी दूसरे किरदार से 19 लगने लगे, तो वो मैंने विलफुली ड्राप किया था, नहीं तो बहुत पॉपुलर हो गया था। एक पायल का करेक्टर है विमल सीरीज, हाँ उसके लिए लोग बड़ी डिमांड करते हैं, तुकाराम को मरा हुआ है इतनी मुद्दत हो गई है, वो कहते हैं किसी तरीके से जिंदा दिखाओ उसे, मतलब वो इम्पॉसिबल डिमांड होती है, पूरी नहीं की जा सकती। आपका लेखक ये बहुत मशहूर होता है, मतलब लोग उपन्यास बाद में पढ़ते हैं, 2-3 बार लेखक ये पढ़ लेते हैं। वो मेरा ही होता है, दूसरे किसी को तो सूझा ही नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो ना सिर्फ मकबूल है उनका कलेक्शन भी छपा है, मतलब एक जगह वो PDF में मौजूद है कि इनके सारे लेखक ये एक जगह पढ़ सकते हैं लोग। अब और इनके लेखक ये में सर के अब उसकी बुक छपने के भी प्रपोजल है नई तरह के जनरल नॉलेज के लिहाज। हाँ तो उसमें ये जो इतनी जानकारी होती है, चाहे महंगी शराब की हो या एक आपका पीस था भारतीय डाकतार विभाग पे, तो ये सब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं या जब आप उपन्यास लेखक ये लिखने लेते हैं और जो उस वक्त दिमाग में आया वो? नहीं नहीं उस वक्त नहीं आता, ये नावल जुदा सिलसिला है, लेख किया जुदा सिलसिला है, लेख किया था जब भी लिखने लायक दिखता है कुछ, मेरे को दिलचस्प पर कोई एपिसोड कोई टॉपिक दिखता है तो मैं लिख के रख लेता हूँ, तो नावल के साथ नहीं, ये नहीं कि नावल ख़त्म हुआ अब मैं इसका लेख किया लिखूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेख किया मैंने मेरे पास पहले तैयार होता है, पहले तो मेरे अभी भी मेरे पास 20 लेख किए हैं 20 नावल तक छापने के लायक। अब वो सवाल जिसके बारे में अगर सुनील पूछता तो कहता ये वो माल है जो अलग बांध के अलग बांध के रखा। विमल को राजयोग कब हासिल होगा? आपने हिंट भी छोड़ा था भाई। वो इमोशंस के अंदर ऐसी बातें घड़ी हुई होती हैं, उसको राजयोग हासिल करने के लिए नावल लिखने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, जो अब वो अब मेरे से इस उम्र में नहीं होती। चलिए विमल से अगली मुलाकात ही बता दीजिए। मुलाकात तो जनवरी में ही होगी, 2 पार्ट का नावल जनवरी में आ रहा है, बहुत कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट पर है, बहुत कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट पर, जो इतना क्राइम बढ़ गया दूसरे लोग दखल नहीं देते उसमें, इसी बात को हाईलाइट किया है कि लोग साइलेंट स्पेक्टेटर बने हुए हैं, जानते हैं कि ये अकेला आदमी जो हरकत कर रहा है, 10 जने इसके खिलाफ होंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई उंगली हिलाना पसंद नहीं करता, पीट करके खड़े हो जाते हैं, हमने नहीं देखा। इन्हीं बातों पर बेस्ड मैंने नावल लिखा है, मुझे बहुत उम्मीद है पसंद किया जाएगा, बहुत मेहनत की है मैंने उस पर, जनवरी में जो वर्ल्ड बुक फेयर आता है उस पर रिलीज होगा। बहुत बढ़िया। भले ही आपका लेखन विशुद्ध जासूसी है लेकिन उसमें फिलॉसफी जो है वो कूट कूट कर भरी मिलती है। सुधीर कोहली तो खैर है ही फिलोसोफर, इसके अलावा जीत सिंह जो जुर्रत में उसका एक है कन्फेक्शन बॉक्स में, या विमल भोजराज शास्त्री वाला संवाद है, तो ये सत्संग सा माहौल बनता है, इसके लिए भी अतिरिक्त प्रयास करते हैं आप? भोजराज वास्ती वाला प्रसंग जब मैंने लिखा था तो कुछ रीडर्स ने ये भी कहा कि 20 वर्के खराब कर दिए, इस किस्म की राइटिंग में इस चीज़ों का क्या मतलब है, लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि सिर्फ घंटियाँ बजने की शंख बजने की कसर थी, हमें तो सत्संग का मज़ा आया उसको पढ़ के। देखो ये बातें मुझे कैसे सूझी, मैंने कैसे इनको शामिल करना शुरू किया, ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन मेरी जो औकात बनाई है एज ए राइटर, एक खास आइडेंटिटी बनाई है जो दूसरा कोई नहीं बना सका, इन्हीं बातों का योगदान है। कहानी तो सब लिख लेते हैं, कहानी का क्या है, कहानी अच्छी बुरी का वो सिलसिला बात का विचार करने वाला होता है, लेकिन कोई लिख ना सके इतना नहीं मुश्किल। वो बातें एडिट अट्रैक्शन है उसकी, जैसे पान में लौंग लगाते हैं तो पान का में लौंग का इतना रोल नहीं है कोई वो, लेकिन उसकी एक वानगी है सजावट है कि भी महंगे पान में लौंग लगता है, जैसे सोने का वर्क लगाते हैं, वो सारे इस किस्म के फुंदने जो हैं वो मैं स्पेशल एफर्ट से लगाता हूँ, कई बार तो बेसिक स्टोरी लिख चुकने के बाद लगाता हूँ। पाठक साहब से बात हो और रमाकांत की बात ना हो तो फौजदारी हो जाएगी,
तो एक ट्रिकी सवाल ये है कि हमेशा रमाकांत जो है वो सुनील के लिए लेगवर्क करता है, जो भी उसका फुटकर काम वो करके देता है, क्या ऐसी कोई सिचुएशन की संभावना है, ऐसा कोई उपन्यास पढ़ने मिलेगा कि सुनील अंदर हो और सारी मेहनत रमाकांत कर रहा हो? क्योंकि प्रभुदयाल की धमकी के जरिए सा ऐसी सिचुएशन तो ऑलरेडी है, उसी ऐसा होगा, कोशिश है मेरी, मैं 2019 में वो नावल डेफिनेट लिखूंगा जिसमें सुनील की प्रॉब्लम। ये एक बड़ा ऐलान है, बड़ा ऐलान है, मेरी तैयारी है, पूरी तैयारी है मेरी। आपकी आत्मकथा आई, आपके फैंस में तो वो मकबूल है ही, जो जासूसी लेखन नहीं पढ़ते उन्होंने भी पढ़ी और सराहा और अपने अपने प्लेटफॉर्म के उस प्लेटफॉर्म पर उसके बारे में लिखा। उसकी जो सबसे खास बात थी वो थी उस वक्त की दिल्ली पार्टीशन के जस्ट बाद की, या वो परंपराएं जो अब नहीं है, जैसे आप टेसू का एक जिक्र सुनाते थे, मैंने पहली बार आपके नॉवेल में पढ़ा कि कोई टेसू भी गाया जाता था, कुछ उन चीज़ों के बारे में बताइए। अरे मैं पंजाबी हूँ, मुझे लोकल कल्चर से कुछ लेना देना नहीं, वो बाकी टेसू वाले थे तो मैं भी जाता था उनके साथ, मेरा टेसू यही अड़ा खाने को मांगे दही। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पंजाबियों में लोहड़ी मांगते हैं ना, वो उससे मिलता जुलता त्यौहार था, बस पैसे उगाने वाली बात थी, दशहरे के दिनों में लोग उसमें थोड़ी आस्था दिखाते थे, दे देते थे पैसे, तो वो थोड़ा गा गू के सुनाना पड़ता था। लोहड़ी में भी तो यही होता है ना, पूरा सुनाना पड़ता है, तेरा कौन बेचारा दुल्ला पट्टी वाला हो दुल्हे थी ब्याई, ऐसा ही वो था, मेरा टेसू यही बड़ा खाने को मांगे दही बड़ा। तो ये बातें जो है ना, ये बस सूझ गई किसी वजह से, नहीं तो बायोग्राफी का स्कोप तो बहुत वसी होता है, इतनी बातें उसमें शुमार हो जाती हैं कि आप 4000 पेज लिख लो तो लगेगा अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है। लेकिन बायोग्राफी के बारे में एक बात मैं बड़ा जज्बाती होकर कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे को राइटर ही नहीं मानते उन्होंने भी बायोग्राफी की तारीफ की। और आपका बायोग्राफी का दूसरा पार्ट की क्या संभावना? वो दूसरा पार्ट थोड़ा कारोबारी झगड़ों में डोलड्रम में आ गया था, लेकिन नए साल में डेफिनेट छपेगा। सुनील की बैकग्राउंड पर कोई उपन्यास आ सकता है? क्योंकि सुनील के बैकग्राउंड पर उपन्यास इसलिए नहीं आ सकता, उसमें मेरी बहुत सारी कमजोरियां उजागर हो जाएंगी, जो अगर सुनील को पढ़ने वाले यहाँ कुछ दोस्त हैं तो उनके हैरान होंगे। पहली बात तो यही है कि जिस वक्त मैंने अपना पहले नावल सुनील चक्रवर्ती को हीरो बनाया था, माइंड इट, मुझे नहीं मालूम था कि चक्रवर्ती बंगाली होते। अब 4-5 नावल लिख लिए तो ये बात खबर में आई कि ये तो बंगाली होते हैं, अब मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता था, तो वो फिर वो लाइन को टो करनी पड़ी, बीच बीच में छोटी मोटी बातें लिखी कि ये दूसरे बंगाल का है जो पाकिस्तान में चला गया वगैरह वगैरह की बातें। तब जो मेरा प्लान्ड करेक्टर ही नहीं था, जो मैंने इग्नोरेंस में बनाया, अब उसके बारे में बैकग्राउंड में मैं कैसे जाऊं? रमाकांत के बारे में मैं बहुत दूर तक बैकग्राउंड में जा सकता हूं, सुनील के बारे में नहीं जा सकता। ये मेरी बहुत बड़ी कमतरी है कि मेरे को यही नहीं मालूम था चक्रवर्ती बंगाली होते हैं। सिगरेट की भी बात है, सिगरेट मैंने लकी स्ट्राइक क्यों लिखा कि मेरे को बड़ा फैंसी नाम लगता था, लकी स्ट्राइक। हाँ, और दूसरा ये था कि ये इंडियन सिगरेट नहीं है, बस दो बातें मालूम थी, मैं तो सिगरेट पीता नहीं, आज तक नहीं पीता, तो लेकिन बहुत बाद में 50 नावल लिखने के बाद में पता लगा कि ये फॉरेन का बिल्कुल रद्दी सिगरेट है, चार मीनार जैसा, बिल्कुल लो लेवल का सिगरेट, लो लेवल का, वर्किंग क्लास पीती है, तरीके के लोग नहीं पीते लकी स्ट्राइक। तो कई बातें इग्नोरेंस में हो जाती हैं जिनको बाद में कैरी ऑन करना पड़ता है मजबूरी के तौर पर। एक सवाल आपके लेखन से अलग, आप इतने प्रभावशाली लेखक हैं, आपकी कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं दिखाई देती, ना आपके लेखन में ना किसी पब्लिक अपीयरेंस में, पॉलिटिक्स से आप बहुत दूर रहते हैं, ये सायास है? में मेरे कभी कोई दिलचस्पी नहीं बनी, क्यों नहीं बनी इसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात थी, मैं सरकारी नौकरी करता था, उसमें जो वो होता था, जो रूल्स होते थे, जो लागू होते थे एम्प्लॉय पर, उसमें ये भी होता था कि मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में दखल नहीं दूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बनूंगा, मतलब सख्त पाबंदी थी इस बारे में, राइटिंग में डिपोजिशन देनी पड़ती थी, तो कोई रुचि बनी नहीं, आज तक भी नहीं है। खबर पढ़ते हैं किसी खास नेता जो बहुत निगाहों में आया हुआ, उसके बारे में राय भी बनाते हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स की ना मेरे को गहरी समझ है,
और ना मतलब है कभी इस किस्म का कोई माहौल बना किसी किस्म की। बाकी ये नारेबाजी और ये वो इससे तो मुझे वैसे ही बहुत वहशत है, बहुत वहशत है। अंधे के पीछे अंधा लगने वाले कारोबार नहीं ठीक। और दूसरे एक लॉर्ड चैम्बरलेन हुए थे, विशी का है ये, प्राइम मिनिस्टर थे या लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे लॉर्ड चैम्बरलेन चर्चिल के टाइम में, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। उन्होंने ये कहा था कि पॉलिटिक्स इज लास्ट रिजॉर्ट फॉर स्काउंडरल्स, कि पॉलिटिक्स लुच्चों की आखिरी पनाह है। तो अब जो आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ये मुहावरे में एक करेक्शन लगी है कि पॉलिटिक्स इज द ओनली रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडरल्स। लाइटर नोट पे एक सवाल, सुधीर रजनी की शादी कभी होगी? किसके? सुधीर की रजनी से? नहीं, ये पक्का है, वो कंटिन्यूटी बिगाड़ने वाली बात होती है। चलिए, एक बार एक नावल में मैंने लिखा था कि उसने सीरियसली प्रपोज किया तो उसने मना किस बेस पे किया था कि मैं तेरी बीवी बन गई हूँ, तू मेरे जैसी और रख लेगा, फिर जो हरकतें मेरे साथ करता है उसके साथ करेगा, इसलिए ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल। चलिए, धूप बहुत है। एक छोटी सी बात सुन लो, देखो विमल सीरीज, सुनील सीरीज के 122 मिल नावल मैंने 60 साल में लिखे, इस हिसाब से सुनील की मौजूदा उम्र तो 90 साल होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बात इसलिए नहीं है कि उसका एक नावल का जो वर्किंग स्पैन होता है 3 या 4 दिन का होता है, तो इस वक्त 122 कहानियां का भी जो ड्यूरेशन है वो 4-5 साल से ज्यादा नहीं है, क्या उसको लिखने में मैंने 60 साल लगाए। यही विमल के साथ भी है, यही विमल के साथ भी है, यही विमल को लिखते हुए मुझे 50 साल हो गए, उसका लड़का तो इस वक्त विमल से ज्यादा जवान होना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी की इन बातों पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, धूप ज्यादा है, समय भी कम है, आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो खड़े होके पीछे पूछे प्लीज। सर नमस्कार, मेरा नाम सुनील है और अभी मैं आपका वहाँ बाय चांस, मेरा नाम सुनील है, मैं वो मेरा प्रोफेशन मिल गया, प्रोफेशन मतलब जर्नलिज्म या जो भी आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इंजीनियरिंग का जो है टीचर हूँ। बाकी मैं आपका इंटरव्यू वहाँ भी देख रहा था तो मुझे दोनों ही आप बहुत अच्छे लगते हैं, समस्थाई खान साहब वो तो मेरे ख्याल से क्राइम की खबरों को सुनाने में माहिर हैं और आप मर्डर मिस्ट्री लिखने में बहुत उम्दा आप मर्डर मिस्ट्री लिखते हैं। पर मेरा सवाल यह है सर कि जिस तरह से आप लिखते हैं उसको समाज में लोग गलत तरीके से अपनाते हैं, कहने का मतलब यह कि अभी कुछ दिन पहले एक वारदात हुई थी तो वहाँ एक जो मुजरिम था उसने ये कहा था कि मैंने पाठक साहब का नावल पढ़ के एक क्राइम किया है, यूटीआई बैंक डकैती। हाँ, तो सर ये मतलब आप मेरा क्वेश्चन यही है कि आप जो समाज में उसको देख कर लिखते हैं या लोग आपको जो पढ़ करने के बाद क्राइम करते हैं? नहीं नहीं, मेरा तो सब कुछ फिक्शन से ही रिलेटेड है। अच्छा, मैंने कभी ये सत्य कथा टाइप का कोई सिलसिला अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। हाँ, नहीं, मेरा अपना सेटअप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती, वो घटनाक्रम होता है उसको मैं अपने ढंग से मैग्नीफाई करता हूँ। वो कोशिश जैसी आप कह रहे हैं मैंने वो विमल में की है। विमल में एक यूनियन बैंक की डकैती हुई थी थॉमसन रोड पर, उस पर मैंने लिखा था। एक दो बार और भी किया है मैंने, लेकिन सुनील में नहीं किया। आपके सवाल का एक जवाब ये भी है कि जिस नॉवेल में क्राइम होता हुआ दिखाया जा रहा है और कोई उस क्राइम से प्रेरणा ले रहा है तो वो उसका एंड भी पढ़े और ये देखे कि उसका अंजाम क्या हुआ। अगर वो एंड पढ़ता, वो उस नॉवेल का नाम क्या था, जमीर का कैदी, अगर उसका एंड पढ़ता तो उसकी हिम्मत नहीं होती जो उसने किया था वो करने का, उसने वही हिस्सा पढ़ा, वही हिस्सा जो। हाँ, अगला सवाल। सर नमस्ते, मैं एक बड़ी सीधी सी बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने सत्यव्यास के नावल 84 का बहुत दमदार समीक्षा जैसा एक लेख लिखा है, मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा आपको इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? और है भाई, मैं तो ऐसे उपन्यास पढ़ता ही नहीं हूँ, मैंने वो उपन्यास सिर्फ इसलिए पढ़ा कि उसके पहले जो इससे पहले जो छपे दो उपन्यास थे वो बड़े चर्चा में थे, बहुत पता लगता था कि हर तीसरे महीने नया एडिशन छपता है तो फिर क्यूरियोसिटी तो होती है ऐसा क्या लिखता है। तो पहला उपन्यास मैंने उसका बनारस टाक ही पढ़ा, तो वो जो शायद उसका दूसरा था, वैसे पहला दिल्ली दरबार बनारस टाक ही है, बनारस टाक पहला, तो वो
वो प्याज तो मेरे पहले ही नहीं पड़ा, बातें पढ़ रहा था बस, नावल किधर से, कोई कहानी नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी तरह का कोई ड्रामेटिक इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो ऐसी रीडिंग कभी पढ़ी नहीं थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये दिल्ली दरबार पढ़ा, नहीं दिल्ली दरबार नहीं पढ़ा, फिर तब तक 84 आ गया, तो मैं कहा चले इसको पढ़ता हूँ, वो तो हद ही हो गई, तो बिल्कुल ही दो जो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात थी, फर्स्ट हाफ का सेकंड हाफ से कोई रिश्ता नहीं, पंजाबी लिखी सारी गलत लिखी, उर्दू लिखी गैर जरूरी लिखी, आपने पढ़ा है? नहीं मैंने अभी। उसमें ऐसे लफ्ज़ शामिल किए हैं किसी उर्दू दा के बाप को मतलब नहीं आता होगा उनका। हाँ मेरे को बार बार डिक्शनरी देखनी पड़ी, जो मैं समझता हूँ मुझे बहुत उर्दू आती है, हिंदी के राइटरों क्या जरूरत है इतनी डिफिकल्ट उर्दू लिखने की, मतलब उसमें इतनी खामियां दिखाई दी मेरे से रुका नहीं, वो बहुत नाराज है, नाराज है। उसने अपनी सफाइयां भी दी हैं लेकिन बहुत लचर लेम एक्सक्यूजेस हैं, ठीक नहीं है। एक छोटा जी जी सर, आप लाहौर से हैं, मतलब लाहौर में आपका हुआ था जन्म, तो सर कभी लाहौर याद भी आता है कि जैसे वो याद आता है? मैं आज भी रेलवे स्टेशन से अपने घर जा सकता हूँ, मुझे रास्ता याद है सारा, जिस घर में हम रहते थे वो सारा याद है, वो गली याद है। लाहौर की और बातें पढ़ने के लिए आप इनका उपन्यास वो पढ़े, न बैरी कोई न बेगाना आत्मकथा है। चलिए आप सबका शुक्रिया, आपने सवाल किए, तसल्ली से सुना पाठक सर को, पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छा लिखते हैं आप, पढ़ेंगे तो खुद जान जाएंगे। थैंक यू। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।